मोदी जी को तो पीएचडी मिलनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में उनकी तारीफ हो रही है कि कहीं कुछ राज्यों में उन्होंने सरकार गिराई, कुछ राज्यों में उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, तो उसका क्या राज है वो बात आज सामने आई है। और ये बीजेपी का नोट जिहाद है, पैसा मतलब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे, बांटेंगे और जीतेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या कर रहा है। ये शायद उनके बीच में गैंगवॉर हो सकता है, हो सकता है बीजेपी ने अंतरूनी टिप दी होगी या मिंडे गुट जो है। कल ऐसे किसी ने मुझे कहा कि नासिक में उनके लोग पकड़ने मतलब पकड़ ही गए थे, भाग गए, ऐसे सुना था। देखिए विनोद तावड़े जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री है, वो वहां पर केवल कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए गए थे। न कोई पैसा उनके पास था, न कोई पैसा मिला है, न कोई पैसा बांटा गया है। एक प्रकार से प्लान करके हमला बोला गया, हमारे ही जो उम्मीदवार है राजन नाइक उनको मारा पीटा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया और एक माहौल इस प्रकार से बनाया गया। मैं तो ये कहता हूँ कि कल जो पराजय दिख रहा है उस पराजय को कवर करने के लिए ये सारी बहानेबाजी चल रही है और इसमें कहीं पर भी विनोद तावड़े इनका कोई दोष नहीं है। एक प्रकार से जानबूझकर उनके ऊपर आरोप लगाने का प्रयास चल रहा है। वालेंच्या कडून तो पाठवला जातोय, तुम्ही प्रश्न विचारताय, हे धक्कादायक आहे आणि कुठल्याही सशक्त लोकशाहीसाठी अतिशय घातक आहे। तर पैसे वाटूनच लोकांनी जर निवडून यायचं असेल तर आमच्यासारख्या लोकांनी काय करायचं? काही नैतिकता राहिली की नाही या देशामध्ये? ज्या भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान दिलं, पारदर्शक मोकळा श्वास तुम्हाला अधिकार दिले या जनतेला, आणि तुम्हाला असं वाटतं की 50 खोके एकदम ओके, खोक्याने तुम्ही आमदार विकत घेतले म्हणून काय तुमच्या पैशाने तुम्ही मतदार विकत घ्या? या देशामध्ये ही लोकशाही आहे, दडपशाही, भीती, पैसे या सगळ्या कृतींचा मी जाहीर निषेध करते। याची इन्क्वायरी झाली पाहिजे आणि जर हे व्हिडिओ मी स्वतः डिटेलमध्ये पाहिलेला नाही पण हे जर आरोप जर खरे असतील तर भारतीय जनता पक्षाने माफी मागून राजीनामे दिले पाहिजेत या देशातून की हो आम्ही गलिच्छ राजकारण करतो आणि इलेक्शन कमिशननी आमच्यासारख्या लोकांना आणि या देशातल्या नागरिकांना न्याय दिला पाहिजे। भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय सरचिटनीस खुलेआम लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, खुलेआम मुंबई के होटल में बैठ के पैसे का बंटवारा कर रहा है, वोटों की खरीदी फिरौती कर रहा है और यहाँ पे चुनाव आयोग जो है वहां पे सिर्फ विरोधी पक्ष के लीडर्स को टारगेट कर रहा है। हमारे हेलीकॉप्टर चेक किए जाते हैं, हमारे नेताओं के बैग की चेक किए जाते हैं, लेकिन मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा नेता, एक राष्ट्रीय सरचिटनीस, अगर वो खुलेआम पैसे का बंटवारा कर रहा है, वहां पे दूसरे पार्टी के लोगों ने उसको पकड़ा, रंगे हाथ पकड़ा, फिर भी चुनाव आयोग की तरफ से क्या कार्रवाई की गई, इसकी मांग हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्ष की तरफ से कर रहे हैं। श्री विनोद तावड़े जी की तरफ से बहुत स्पष्ट कहा गया है कि ये घटना होटल की है, किसी प्राइवेट प्लेस की नहीं है। आप होटल के और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को वह चेक करें, इस बात का हम अनुरोध करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का एब्सर्ड एंड इलॉजिकल, अतार्किक, हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया गया है कि 5 करोड़ रुपए आए थे, अब 350 करोड़ जिसके घर में इधर उधर पड़े रहते उसे 5 करोड़ लगता होगा कि चिल्लर टाइप है, कहीं इधर उधर पड़े होंगे, दिखाई नहीं पड़े होंगे महोदय, मगर मैं देश की आम जनता की तरफ से बोलना चाहता हूं कि इतनी बड़ी धनराशि का आप हवा में आरोप नहीं लगा सकते। आपको साफ बताना होगा कि वो कहां था।